मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध कार से जुड़े मामले में बड़ी जानकारी सामने आ रही है। न्यूज एजेंसी एनआई के अनुसार इस कार से जांच अधिकारियों को एक धमकी भरी चिट्ठी मिली थी। वहां जो स्कॉर्पियो कार मिली है उसकी सीट पर मुंबई इंडियंस का बैग रखा था। मुंबई इंडियंस आईपीएल की क्रिकेट टीम है जिसके मालिक मुकेश अंबानी ही है। मुंबई पुलिस के एक सूत्र के अनुसार इस चिट्ठी को हाथ से टूटी फूटी अंग्रेजी में लिखा गया है। इसमें मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को धमकी दी गई है। सूत्र ने बताया इंटीरिया के पास मिली कार में विस्फोटक के साथ मिली चिट्ठी में कहा गया है कि ये एक ट्रेलर था और अगली बार और तैयारी के साथ वापसी होगी। वही एबीपी की रिपोर्ट के अनुसार चिट्ठी में लिखा गया है, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है नीता भाभी, मुकेश भैया ये तो सिर्फ एक झलक है, अगली बार सामान पूरा होकर तुम्हारे पास आएगा और पूरा इंतजाम हो गया है। आपको बता दें मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी के घर के पास कार्मिकल रोड पर गुरुवार को एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी मिली थी जिसमें 20 जिलेटिन की छड़ी थी। गामदेवी पुलिस थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। वही मुंबई पुलिस के सूत्रों के अनुसार जो जिलेटिन गाड़ी में मिला है वो मिलिट्री ग्रेड जिलेटिन नहीं है, वो कमर्शियल ग्रेड जिलेटिन है जो ज्यादातर कंस्ट्रक्शन के कामों में इस्तेमाल होता है। मिली जानकारी के अनुसार गाड़ी की सीट पर मुंबई इंडियंस का बैग भी रखा था। पुलिस ने बताया कि इस गाड़ी के नंबर प्लेट पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो अंबानी की सुरक्षा में लगी एक SUV के ही समान है। गाड़ी के मालिक का भी पता लगाया जा रहा है। वही पुलिस ने बताया कि ये गाड़ी कुछ टाइम पहले ही मुंबई के विक्रोली एरिया से चुराई गई थी। इतना ही नहीं, मुंबई पुलिस ने मल्टीपल लोकेशन से CCTV फुटेजेस भी निकाली है जहां जहां से ये गाड़ी गुजरी है। फिलहाल गाड़ी का मालिक कौन है इसकी भी जांच में पुलिस जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक इस गतिविधि को अंजाम देने के लिए लंबे वक्त से प्लानिंग की जा रही थी। आरोपी गाड़ी को घर के और भी करीब खड़ा करना चाहता था लेकिन सख्त सुरक्षा के कारण ये नहीं हो सका। उसके द्वारा अंबानी परिवार की हलचल पर नजर रखी जा रही थी, हर कॉन्वे को ट्रैक किया जा रहा था। आपको बता दें जिस संदिग्ध ने कार रखी वो CCTV फुटेज में दिख रहा है, मास्क और हुडी पहने होने की वजह से उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने ये भी कहा कि इससे पहले किसी ने अंबानी परिवार को धमकी भरा कॉल या चिट्ठी नहीं भेजी थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपके कोई भी सुझाव या प्रश्न हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।